श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं आपको राहु से संबंधित सभी उपाय बताऊंगा कि अगर आपका राहु पीड़ित है, खराब है या नीच है तो राहु से क्या आपको परेशानी आ सकती है। राहु के पीड़ित होने के लक्षण और इसके उपाय बताता हूं। नंबर 8 पर आता है राहु। मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान, स्वयं की लेकर गलत फहमी, आपसी तालमेल में कमी, बात बात पर आपा खो देना, वाणी का कठोर होना या अपशब्द बोलना, ये कुंडली में राहु के बुरे होने पर हाथ के नाखून अपने आप टूटने लगते हैं। राज्य क्षमा रोग और लक्षण प्रकट होते हैं। वाहन दुर्घटना, उदर कष्ट, मस्तिष्क में पीड़ा अथवा दर्द रहना, भोजन में बाल दिखना, अपयश की प्राप्ति, संबंध खराब होना, दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है, शत्रुओं से मुश्किलें बढ़ने की संभावना रहती है, जल स्थान में कोई ना कोई समस्या आना आदि बना रहता है। तो ये उपाय करने से आपके ये सभी कष्ट होंगे दूर। गोमेद धारण करें, दुर्गा, शिव या हनुमान जी की आराधना करें, तेल जौ किसी हनुमान मंदिर में या किसी यज्ञ स्थान में दान करें, जौ या अनाज को दूध में धोकर बहते पानी में बहाएं, कोयले को पानी में बहाएं, मूली दान करें, भंगी को शराब मांस दान में दें, सिर में चोटी बांधकर रखें, सोते समय सर के पास किसी पत्र में जल भरकर रखें और सुबह किसी पेड़ में डाल दें। ये प्रयोग 43 दिन तक करें। इसके साथ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, सुंदर कांड का पाठ करें या फिर ओम रंग राहवे नमा, ओम रंग राहवे नमा, ओम रंग राहवे नमा, ओम रंग राहवे नमः। इस मंत्र का 108 बार नित्य जाप करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और राहु आपसे करेंगे, आपकी करेंगे शत्रुओं से रक्षा और आपकी हर समस्या का होगा समाधान और दुर्घटना से होगी आपकी रक्षा। ये करने से भगवान हनुमान आप पर करेंगे कृपा। जय श्री महाकाल दोस्तों।